गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम 3 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। इनका नाम है सुजाता सोनिक। महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है। इनसे पहले थे नितिन करीर। यहाँ अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। चेयरमैन ऑफ CBDT हैं रवि अग्रवाल। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंटोनियो कोस्टा। 35th फॉरेन सेक्रेटरी भारत के विक्रम मिश्री, NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ओम बिरला। बने हैं स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। JP नड्डा लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में है। प्रदीप सिंह खरोला डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA हैं। चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ NS राजा सुब्रमणी और भर्तृहरि मेहताब ओम बिरला से पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे 18th लोकसभा के। द टर्म सेबेक्स वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, वट इज इट रिलेटेड टू। सेबेक्स जो टर्म है ये संबंधित है हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव से। इंडिया ने इसको डेवलप किया है। सेबेक्स 2 इसका नाम है, विच इज़ 2.01 टाइम्स मोर लीथल देन स्टैंडर्ड TNT, और इसी के साथ ये बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव ग्लोबली। सेबेक्स 2 अलॉन्ग विद द अपकमिंग सेबेक्स 3 एम्स टू इन्हांस इंडियाज मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी एंड इफिशियंसी। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ द लियोन मास्टर्स चेस कॉम्पिटिशन 2024। पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, विश्वनाथन आनंद है ये भारत के। इन्होंने जीता है लियोन मास्टर चेस चैम्पियनशिप फॉर द 10th टाइम। स्पेन के प्लेयर को हराकर ये जीते हैं। लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट हुआ था लियोन स्पेन में। ओनली 4 प्लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द टूर्नामेंट। चेस ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। भारत के 78th थे कौस्टभ चैटर्जी, 79th एम प्रणेश, 80th विघ्नेश NR, 81st सयंतन दास, 82nd वुपला प्रणीत, 83rd आदित्य समंत, 84th वैशाली रमेश बाबू और 85th ग्रैंड मास्टर हैं पी श्याम निखिल, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द इंडियन जस्टिस कोड दैट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1st जुलाई 2024। तो अभी जो इंडियन जस्टिस कोड आया है BNS कोड, इस जिसके कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, इसमें 531 सेक्शंस 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आए हैं, लागू हुए हैं 531 सेक्शंस इंडियन कोड ऑफ जस्टिस या फिर हिंदी में भारतीय न्याय संहिता और इंडियन सिविल डिफेंस कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सभी में थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। इंडियन पीनल कोड CRPC जो था उनमें चेंजेस करके ये बनाए गए हैं। ये पार्लियामेंट में पास हुए थे दिसंबर 2023 में। ये 3 लॉ थे ना, इंडियन पीनल कोड IPC 1860 का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 का और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। ये बहुत पुराने सब हमारे यहाँ पर लॉज हैं, तो इन्हीं में कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये तीनों नाम ये हमने स्टार्टिंग में देख लिए। जो तीनों क्रिमिनल लॉज हैं ये फोकस करते हैं जस्टिस पर रादर देन पनिशमेंट। एम इनका है टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम टेररिज्म हैज़ बीन डिफाइंड इन द इंडियन जस्टिस कोड मेकिंग इट अ पनिशेबल ऑफेंस। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। ये हैं शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी करेक्ट है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन्होंने लगाई है इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट ड्यूरिंग द वन ऑफ टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 194 बॉल्स में इन्होंने अपनी डबल सेंचुरी कंप्लीट की है। 205 रन्स इन्होंने बनाए थे अपनी एंटायर इनिंग्स में। शी ऑल्सो बिकेम द सेकेंड इंडियन आफ्टर फॉर्मर कैप्टन मिताली राज टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। इंडिया ने जीता है सेकेंड ICC T20 वर्ल्ड कप एट बारबाडोस आफ्टर 17 ईयर्स वेट। कपिल देव इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं एट द Under-17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। धीरज बोम्मा दिवारा इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप 2024। 48th एडिशन ऑफ द कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट US में हुआ। नीरज चोपड़ा ने जीता है फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द पावोनुर्मी गेम्स। श्रुति वोरा पहली इंडियन इक्वेस्ट्रियन बनी है टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। इंडिया होस्ट करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को 2025 में। इंडियन मेल टेनिस प्लेयर हैं सुमित नागल, इन्होंने जीता मेंस सिंगल्स टाइटल एट द हेलब्रोन नेकेरेक कप 2024। ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 में और ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेंगे AFC वुमेंस एशियन कप। हु डिज़ाइंड द इंडियन प्लेइंग किट फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024। इसे डिज़ाइन किया गया है JSW इंस्पायर कंपनी के द्वारा। मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा ये जो ड्रेस है सेरेमोनियल ड्रेस और प्लेइंग किट, इसको अनवील किया गया।
मनसुख मंडाविया मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। इंडिया की तरफ से पेरिस ओलंपिक में 120 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। 3 किट्स तैयार की गई हैं, इसमें क्या है? पहला है प्लेइंग किट डिज़ाइन बाय JSW इंस्पायर, सेरेमोनियल ड्रेस डिज़ाइन बाय तरुण ताहिलियानी ओंड तासवा और परफॉर्मेंस शू एंड ट्रैवल गियर बाय प्यूमा। पेरिस ओलंपिक की बात यहाँ पर कर लेते हैं। पेरिस फ्रांस में ओलंपिक्स 26 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, 11 अगस्त तक चलेंगे। तीसरी बार है जब पेरिस समर ओलंपिक को होस्ट करेगा। इससे पहले 1900 में और 1924 में पेरिस समर ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है। 4 नए स्पोर्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पहली बार ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है PT उषा, फ्लैग बियरर हमारे पेरिस ओलंपिक में होंगे शरद कमल और टॉर्च बियरर अभिनव बिंद्रा। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विद विच कंट्रीज आर्मी, तो ये है थाईलैंड। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड की आर्मी के बीच होती है और 2024 में इसे थाईलैंड में ही कंडक्ट किया गया है। लास्ट एक्सरसाइज मेघालय इंडिया में हुई थी 2019 में। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एक्सरसाइज। साउथ कोरिया, US और जापान, इनके द्वारा पहली ट्राइलेटरल मल्टी सेक्टोरल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, नाम है फ्रीडम एज। इंडिया एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करेगा जिसका नाम है तरंग शक्ति। 12 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई नई दिल्ली में। 8th एडिशन ऑफ JIMEXX जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, ये जापान में हुई। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायंप, ये हुई इंडिया और अमेरिका के बीच। और एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 24, इसमें भारतीय नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था, सेशल्स में ही एक्सरसाइज हुई थी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द NTR भरोसा पेंशन स्कीम, इसे आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 1 जुलाई 2024 से इसकी शुरुआत की गई है बाय पर्सनली डिलीवरिंग द पेंशन अमाउंट टू अ बेनिफिशरी एट देयर हाउस। ठीक है, यहाँ पर मेजर स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की है, चीफ मिनिस्टर बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड, निजुत मोइना स्कीम असम, PM पर्यटन एयर सर्विस MP, सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड, मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC लिमिटेड, वन व्हीकल वन फास्टैग, NHAI मैतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम, युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़, CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की है। वेयर विल द 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट टेक प्लेस, ये एक्सरसाइज हुई उमरोई मेघालय में। इंडिया और मंगोलिया के बीच ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है इसका नोमैडिक एलिफेंट, उमरोई में मेघालय में इस बार हुई है। डिफेंस एक्सरसाइज रिवाइज करें तो अभ्यूस होपेक्स इजिप्ट की एक्सरसाइज है, उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है संप्रीति, इंडिया और चाइना की हैंड इन हैंड, इंडिया और फ्रांस की शक्ति वरुण गरुण, इंडिया और इंडोनेशिया की गरुण शक्ति, इंडिया और जापान की धर्मा गार्जियन और JIMEXX, इंडिया और कजाकिस्तान की प्रबल और दोस्तिक, इंडिया और किर्गिस्तान की खंजर, इंडिया और मालदीव्स की एक्यूवेरिन, इंडिया और मंगोलिया की नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और म्यांमार की इम्बेक्स, इंडिया और ओमान की अल नागा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज 4, इंडिया और रशिया के बीच इंद्रा होती है, इंडिया और श्रीलंका की मित्र शक्ति और स्लिनेक्स, इंडिया और थाईलैंड की मैत्री और कॉर्पेट, इंडिया और UK की अजय वॉरियर और कोकड़, इंडिया और USA की युद्धाभ्यास वज्रप्रहार होप इंडिया और मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और वियतनाम के बीच विनबेक्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसेंडेक्स और इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। वेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व, इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 2 जुलाई को। एम इसका है टू एनहांस कोऑपरेशन एंड सॉलिडारिटी अमंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड। AIPS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इस दिन को ऑर्गेनाइज करना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस बॉडी का? लुसाने स्विट्जरलैंड में। 2 जुलाई को ही वर्ल्ड UFO डे होता है, यूनिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स UFO की फुल फॉर्म है, और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। टू कमेमोरेट द सपोज्ड UFO क्रैश इंसिडेंट इन रॉजवेल न्यू मेक्सिको इन 1947। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज करें। 1 जुलाई होता है GST डे, 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे और 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? रिविजन पार्ट में भी हमने ये किया था, तो आंसर बताइएगा कमेंट में।
और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।